यहाँ रखिए पहले। एक्सक्यूज मी जी, आप इस तरफ आएंगी? श्योर। यस। ये बंद गोभी आपने अच्छे से साफ किया ना? हाँ आंटी, इसे स्टाफ ने अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ किया है। मासा का मतलब है किस चीज से धोई है? ऑफ कोर्स पानी से धोई है, अब बंद गोभी थोड़ी गंगा स्नान करके आएगी। ये बंद गोभी कोई नहीं खाएगा, और खासकर मासा आप तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या हो गया आंटी जी? क्योंकि हमारे यहाँ बंद गोभी को नमक और हल्दी के पानी में धोया जाता है, इसीलिए। बहुत सही करते हो आप आंटी जी, आपके यहाँ पेस्टिसाइड वाली सब्जियाँ आती होंगी ना, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो ये जो बंद गोभी है ये एकदम ऑर्गेनिक है, यहाँ पे जल वायु एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फैब। वो तो ठीक है, लेकिन कीड़े तो हर जगह होते हैं ना। नहीं नहीं आंटी, वो तो पानी में धुल गए ना। हमारे यहाँ आपको पता है सब्जियाँ कैसे धुलती है? जैसे हिंदी पिक्चर की हीरोइन नहा कर बाहर आती है ना, डायरेक्ट अंडर वाटर प्रेशर। जो कुछ भी है, हम लोग ये सब्जी नहीं खाएंगे। देखिए आंटी जी, ये जो गार्डनिंग का काम है ना, ये मेरी मम्मा खुद करती है, और मेरी मम्मा से कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। अच्छा, तो आपकी मम्मा से कभी कोई गलती नहीं होती? मतलब कि वो सुपर वुमन है? कोट, रिजॉर्ट, कीड़े वाली सब्जी, फार्मिंग, ये सब एक साथ करती है? जी आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ कर लेती है मेरी मम्मा। ऐसा लग रहा है सरस्वती माँ खुद आपकी टंग पर बैठी है। एक्चुअली मेरी मम्मा ऑथेंटिक सुपरवुमन है। ओके, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि इस सब्जी में कीड़े नहीं हैं? खा लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ ना। अब इससे ज्यादा मैं और क्या सबूत दूं आप लोगों को? देखिए, आप लोग तो सीनियर सिटीजन है ना, आपके तो संस्कार मुझसे भी ज्यादा पक्के होने चाहिए, तो आपको तो पता होगा कि खाना अगर आ जाए तो उसे ऐसे वापस भेजकर उसका अपमान करना बहुत बुरी बात होती है। देखिए आप लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज आज मैनेज कर लीजिए। तुम्हारी माँ सुपर वुमन नहीं है, वरना बाकी सारे काम के साथ तुम्हारी जुबान पर भी कंट्रोल रखती। क्या हो गया आंटी जी, आप ऐसे नाराज क्यों हो रही हैं? दादी जी, आप ही समझाइए ना, ये हल्दी और नमक जैसी बातों पर ऐसे खाने को वापस भिजवाना। ऐसा क्या कह दिया कि आप लोग इतने लाउड रिएक्शंस दे रहे हैं? Shut up. मैंने किया क्या? प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रॉब्लम तुम हो। मासा, समझ नहीं आ रहा है मैंने ऐसा किया ही क्या है। अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्या किया है, तो तुम इतम हो। एक मिनट, जिसको मना है मुझे कुछ भी बोल के चला जा रहा है। दादी जी ने कहा कि मैं प्रॉब्लम हूँ, आप कह रहे हो कि मैं डम हूँ, बदतमीजी आप लोग कर रहे हो और फिर मुझे बदतमीज बुला रहे हो। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत आप लोगों ने की थी, बात मेरी हो रही थी, आप लोग मेरी मम्मी पर गए। मेरी फैमिली पे मत जाना। तो मेरी मम्मी पे मत जाना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।